अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एपिस्टेसिस की जो रिमेनिंग टाइप्स रह गई थी आज मैं उनको डिस्कस करूंगी। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो मेरे कंटेंट्स थे मैं उनको एक दफ़ा रिपीट करूंगी। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं जीन इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, इंट्रा अलीलिक और इंटर अलीलिक जेनेटिक इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ और कुछ टर्म्स जैसे कि एपिस्टेटिक जीन्स और हाइपोस्टेटिक जीन्स के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ और डिफरेंस देखा था डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस के दरमियान। और इसके बाद एपिस्टेसिस और उसकी पहली दो टाइप्स डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस को डिस्कस कर चुके हैं और आज मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ और जो एपिस्टेसिस की बाकी फोर टाइप्स रह गई थी आज उनको डिस्कस करूँगी। तो ये रही सारी टाइप्स, पहली टाइप और दूसरी टाइप डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस को डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट फोर टाइप्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डुप्लीकेट जीन विद कॉम्युलेटिव इफेक्ट। इस टाइप से पहले जो दो टाइप्स कर चुके हैं उनमें ये था कि किसी एक जीन लोकस पर कोई एक जीन थी, उस जीन की या तो दोनों अलील्स या कोई एक डोमिनेंट अलील किसी फिनोटाइप को, किसी ट्रेट को कंट्रोल करती थी। लेकिन ये वाली टाइप में दो अलग अलग जीन लोकस हैं, उन दोनों जीन लोकस पर दो तरह की जीन्स हैं, उन दोनों जीन्स की जो अलील्स हैं डोमिनेंट अलील्स वो किसी एक तरह के फिनोटाइप को कंट्रोल कर रही हैं। मतलब कि ईजी वर्ड्स में आप इसकी एग्जाम्पल इस तरह ले लें कि एक जीन की डोमिनेंट अलील जो काम कर रही है ना, दूसरी जीन की डोमिनेंट अलील भी वही काम कर रही है। मतलब कि दोनों की जो वर्किंग है, दोनों की जो फाइनल ट्रेट, जो फाइनल फिनोटाइप देंगी ना, वो सेम है। नेक्स्ट कंडीशंस देखते हैं, फिर आप लोग बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड टाइप की जो कंडीशंस है ना वो मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों को बेटर समझ आए। अच्छा, अब इन कंडीशंस में जो बात मैं आपको समझाने जा रही हूँ ना उसके लिए आप सेकेंड और थर्ड कंडीशन देखें। ये सेकंड और थर्ड कंडीशन आपको देख के पता चल रहा होगा कि इन दोनों की जो फिनोटाइप्स हैं वो सेम है, स्फेरिकल। और ये वाली टाइप समझाते हुए मैंने स्टार्टिंग पर बात की थी कि ये एक ऐसी टाइप है जिसमें दो डिफरेंट जीन्स होंगी लेकिन उन जीन्स की जो अलील्स होंगी वो सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप देंगी। और इन दो कंडीशंस में भी यही बात एक्सप्लेन हो रही है कि डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं लेकिन उनकी जो फिनोटाइप आ रही है वो सेम है, स्फेरिकल। अच्छा, अब ये जो दोनों कंडीशंस हैं सेकंड और थर्ड, इन दोनों कंडीशंस में एक बात ज़रूरी है कि हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव पेयर हो। और आप ये सेकंड कंडीशन में भी देख सकते हैं कि हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव पेयर है और थर्ड कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव पेयर है। अब अगर जो सिर्फ सेकंड कंडीशन है उसको देखें तो जो एपिस्टेटिक अलील्स हैं उसमें हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव पेयर प्रेजेंट है। इस होमोजाइगस रिसेसिव पेयर के साथ जो दूसरी जीन है उसकी दोनों अलील्स अगर तो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में आ रही हैं या बेशक वो हेटरोजाइगस फॉर्म में आ रही हैं, हम उस दूसरी जीन की अलील्स को इग्नोर करेंगे और मेनली जो हमारा फोकस है वो एपिस्टेटिक वाली जो अलील्स है ना होमोजाइगस पेयर, हम उस पर फोकस रखेंगे। इसी तरह अगर सिर्फ थर्ड कंडीशन देखें तो इसमें भी हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव पेयर प्रेजेंट है, स्मॉल बी स्मॉल बी। अब अगर आप किसी एग्जांपल में क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवाने के बाद आपके पास जब F2 जनरेशन आ जाती है उसमें आप रिजल्ट्स देखते हैं तो जिन पेयर्स में फर्स्ट जीन या सेकेंड जीन, फॉर एग्जाम्पल इधर हम लोगों ने फर्स्ट जीन ए ली हुई है, सेकेंड जीन बी ली हुई है, तो उन रिजल्ट्स में, उन पेयर्स में अगर एक जीन की भी दोनों अलील्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं तो आप उसको एक ही कैटेगरी में रखोगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम यही वाली अगर एग्जांपल ले लें समर स्क्वैश वाली, तो आप इसका क्रॉस करवा के रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट्स में जिन पेयर्स में स्मॉल ए स्मॉल ए भी प्रेजेंट है, मतलब फर्स्ट जीन भी होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है, या सेकेंड जीन स्मॉल बी मतलब कि सेकेंड जीन की भी दोनों अलील्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है, तो आप इन पेयर्स को स्फेरिकल फिनोटाइप ही देंगे। और इस बात का आपने ये मतलब नहीं ले लेना कि एट अ टाइम दोनों जीन्स की जो अलील्स हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में हों, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक वक्त में एक ही पेयर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होगा, उसके साथ जो दूसरी जीन है उसकी अलील्स या तो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में आ जाएँ या फिर हेटरो फॉर्म में आ जाएँ। मेनली इन कंडीशन में जो सेकेंड और थर्ड वाली थी वही समझने वाली थी, जो बाकी दोनों कंडीशन हैं वो तो बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट कंडीशन आप लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट कंडीशन में देखें तो इसमें जो दोनों जीन्स हैं उनकी जो अलील्स हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं। अगर इस तरह के आपके पास रिजल्ट्स आए कि जो दोनों जीन्स हैं उनकी अलील्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है तो इसको आप एक सेकेंड कैटेगरी में रख लोगे और एक अलग फिनोटाइप दोगे। ये वाली जो एग्जाम्पल है इसमें इसको जो फिनोटाइप दिया गया है वो लॉन्ग है, लेकिन डिफरेंट एग्जाम्पल्स में डिफरेंट फिनोटाइप हो सकता है। अभी तक जो दो कंडीशंस हैं, दो फिनोटाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं उसको मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ। जो सेकंड और थर्ड वाली है उसको आप एक ही कंडीशन कंसीडर करें क्योंकि दोनों के रिजल्ट में फिनोटाइप हमारे पास सेम आ रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन तो वो जो मैंने अभी डिस्कस किया है कि हमारे पास दोनों जीन्स की जो अलील्स हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आएँ, तो ये होगी एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमारे पास ये है कि या तो हमारे पास एक जीन की दोनों अलील्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आएँ या तो दूसरी की होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आएँ।
और इन होमोजाइगस रिसेसिव पेयर्स के साथ जो दूसरी जीन है उसकी एलील्स होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में भी आ सकती हैं या हेटरोजाइगस फॉर्म में भी आ सकती हैं। अब जो थर्ड कंडीशन है, जो थर्ड टाइप ऑफ फिनोटाइप देगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो थर्ड टाइप ऑफ फिनोटाइप है, इसकी ये कंडीशन है कि एक जीन है वो भी डोमिनेंट फॉर्म में आए, वो डोमिनेंट या तो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में भी आ सकता है या हेटरो में भी। इसके साथ ही जो दूसरी जीन है उसकी एलील्स भी डोमिनेंट फॉर्म में आए, वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास किसी भी रिजल्ट पे, किसी भी एग्जांपल पे इन थ्री टाइप ऑफ फिनोटाइप्स आ जाएंगी जिनकी कंडीशंस मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट इसी एग्जांपल का क्रॉस करवा के देख लेते हैं। फ्रूट शेप इन समर स्क्वैश, दो पेरेंट्स लिए गए हैं, एक डिस्क शेप है और एक लॉन्ग शेप्ड। अब ये डिस्क शेप क्यों है और लॉन्ग शेप क्यों है ये मैं पीछे जो कंडीशंस हैं उनमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दोनों पेरेंट्स का हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास F1 जनरेशन आएगी। F1 जनरेशन में सारे डिस्क शेप हैं। अब इस कंडीशन को F1 को हम F1 से क्रॉस करवाएंगे और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो F2 होगा। F2 देख लेते हैं। अच्छा, अब इन रिजल्ट्स में मैं एक कंडीशन को हाईलाइट करूंगी, स्फेरिकल कंडीशन को, बाकी दोनों कंडीशन को आप खुद सर्च आउट करेंगे। कि जो डिफ़िकल्ट कंडीशन थी वो यही थी, स्फेरिकल। अच्छा, अब मैंने दो पेयर्स को सर्कल किया है। जो ऊपर वाला सर्कल है उसमें अगर आप देखें तो स्फेरिकल ये क्यों है, क्योंकि इसके पास जो पहली जीन है ए जीन, उसकी दोनों एलील्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं। और ए जीन की दोनों एलील्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है, और दूसरा जो पेयर है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, हेटरो फॉर्म में, ये होमो फॉर्म में भी हो सकता है। अब जो नीचे वाला सर्कल है अगर आप उसको देखें तो ये भी स्फेरिकल है। ये स्फेरिकल क्यों है, क्योंकि इसके पास जो बी जीन की दोनों एलील्स है वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं, और उसके साथ जो ए जीन है वो डोमिनेंट आ रहा है लेकिन हेटरो फॉर्म में, ये होमो फॉर्म में भी हो सकता है। तो उम्मीद है इस वाली टाइप की आप सबको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। और जो हमारे पास फोर्थ टाइप है वो है डुप्लीकेट रिसेसिव जीन्स या कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। अच्छा, जो अभी तक हम पहली थ्री टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं ना, उनमें ये था कि जो हमारे पास फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस थे ना वो थ्री थे, थ्री टाइप ऑफ फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस थे, और हम उसके लिए थ्री डिफरेंट कंडीशंस पढ़ते थे। लेकिन जो ये वाली टाइप है जो मैं अभी डिस्कस करने लगी हूँ, इसके बाद जो फर्दर दो टाइप्स हैं, इन तीनों टाइप्स में जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होंगे वो सिर्फ दो तरह के होंगे और हम दो कंडीशंस को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस टाइप में भी ना सेम पिछली टाइप वाली एक कंडीशन है, वो वाली जो कंडीशन थी ना कि दो तरह के जो जीनोटाइप्स थी वो सेम फिनोटाइप दे रही थी, यहाँ पर भी सेम वही बात रिपीट हो रही है। मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि जैसे पीछे दो जीन्स थी, दो जीन लोकस थे, दोनों जीन्स की जो अलील्स थी उनमें अगर होमोजाइगस रिसेसिव पेयर है ना तो वो सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप देंगी। अच्छा, अब यहाँ पर पहली दो जो कंडीशन है ना वो तो सेम लास्ट टाइम की तरह ना सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप देंगी। पहली कंडीशन में अगर आप देखें तो जो हमारे पास एपिस्टेटिक अलील्स हैं वो होमोजाइगस फॉर्म में हैं, और अगर दूसरी कंडीशन में आप देखें तो जो हमारे पास हाइपोस्टेटिक अलील्स हैं, बी जीन की जो दो अलील्स हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में हैं। लेकिन बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, पीछे ये था कि इन दोनों होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म्स के साथ जो दूसरी जीन थी ना उसकी अलील्स डोमिनेंट फॉर्म में आती थी, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में या हेटरो फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज ये है, अगर आप पिछली टाइप को रिवाइज करें तो वहाँ पर इन होमोजाइगस रिसेसिव पेयर्स के साथ जो जीन थी उसकी जो दोनों अलील्स थी ना वो डोमिनेंट फॉर्म में होती थी, या फिर होमो या फिर हेटरो। लेकिन इस टाइप में एक जीन के अगर दोनों अलील्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है ना, उसके साथ जो दूसरी जीन है उसकी अलील्स भी होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आ रही है ना, तो ये एक ही कंडीशन है। जबकि पीछे अगर दोनों जीन्स की जो अलील्स थी वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आ रही थी तो वो एक अलग टाइप ऑफ फिनोटाइप देता था, लेकिन यहाँ पर वो भी यही फिनोटाइप देगा। और जो सेकेंड कंडीशन है जो कि एक अलग टाइप ऑफ फिनोटाइप देगा, सेकेंड टाइप ऑफ फिनोटाइप देगा, उसमें यह है कि दोनों जीन्स हैं जो उनकी अलील्स डोमिनेंट फॉर्म में होनी चाहिए, या तो फिर होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में हो जाए या फिर हेटरो। तो इस तरह इन कंडीशंस के बेस पर हम किसी भी रिजल्ट में ना दो अलग टाइप ऑफ फिनोटाइप्स को सर्च आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फ्लावर कलर इन पी प्लांट। यहाँ पर पहली दो जो कंडीशंस हैं वो सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप दे रही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पास एक ना एक होमोजाइगस रिसेसिव पेयर तो मस्ट है, दूसरा उसके साथ होमो फॉर्म में भी आ सकता है या फिर डोमिनेंट होमो हेटरो फॉर्म में भी आ सकता है। और जो बाकी दूसरी कंडीशन है दूसरी फिनोटाइप के लिए, इस टाइप में दोनों जीन्स की जो अलील्स हैं वो या तो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में हो या हेटरो फॉर्म में, लेकिन दोनों साइड पे डोमिनेंसी होना ज़रूरी है, तो ये एक अलग टाइप ऑफ फिनोटाइप देंगी। इस एग्जांपल में वो पर्पल फिनोटाइप दे रही हैं। अब नेक्स्ट क्रॉस देख लेते हैं इसी एग्जांपल में। वाइट फ्लावर्स को वाइट फ्लावर्स के साथ जब क्रॉस करवाया ना तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो हमारे पास पर्पल कलर आया है। ये पर्पल कलर F1 जनरेशन है। नेक्स्ट हम F1 को F1 से क्रॉस करवाएंगे और रिजल्ट्स देखते हैं। ये रिजल्ट्स हैं, इनमें जो पर्पल कलर फ्लावर्स हैं उनको ऑलरेडी कलर किया गया है।
अब ये जो सारे पर्पल कलर्ड हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जो दोनों जीन्स की अलील्स हैं ना पेयर फॉर्म में, दोनों साइड पे कोई एक ना एक तो डोमिनेंट मस्ट है, चाहे उसकी एक अलील चाहे उसकी दोनों अलील्स। और जो वाइट कलर है अगर आप उसमें देखें कंडीशन मैच करें तो आप देखेंगे कि सारे वाइट कलर्स में एक ना एक होमोजाइगस रिसेसिव पेयर मस्ट है। तो ये टाइप भी क्लियर होगी। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं, डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन्स। जैसे कि यहाँ भी नाम बता रहा है कि यहाँ पर भी कुछ डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है और वो चेंज ये है कि जब दो जीन्स पेयर फॉर्म में आती हैं, मतलब कि चार अलील्स हो गई, दो जीन्स की चार अलील्स होगी, इन चारों अलील्स में से अगर कोई एक भी अलील डोमिनेंट फॉर्म में है, कैपिटल फॉर्म में है, तो वो सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप देंगे। फॉर एग्जांपल दो जीन्स हैं ए जीन और बी जीन, ए जीन की दो अलील्स होगी ए ए और बी जीन की दो अलील्स होगी बी बी। जब ये पेयर फॉर्म में आएंगी तो टोटल चार अलील्स होगी, दो ए ए दो बी बी। इन चारों अलील्स में से अगर सिर्फ एक अलील, ठीक है पहली जीन अगर हम कंसीडर कर लें कि ए जीन की एक अलील भी अगर कैपिटल है ना, बाकी तीनों कुछ भी हैं, तो वो सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप देगा। ठीक है, अगले केस में ऐसे हो सकता है कि जो दो जीन की चार अलील्स हैं, पहले जो कैपिटल था वो स्मॉल है लेकिन दूसरे वाला एक कैपिटल है, तो फिर भी सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप आएगा। अब एक और केस ले लेते हैं, उसमें हम ए जीन की जो दोनों अलील्स हैं उसको रिसेसिव फॉर्म में कर देते हैं, लेकिन जो बी जीन है उसकी एक अलील को सिर्फ कैपिटल कर देते हैं, फिर भी वही फिनोटाइप आएगा। अब पहले जिस बी अलील को कैपिटल किया अब उसको स्मॉल कर दो और दूसरी वाली को कैपिटल कर दो, फिर भी वही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट कंडीशंस देख लेते हैं मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए। हाँ जी, अब इन कंडीशंस में से पहली कंडीशन देखें ना, एक ए जीन है और दूसरी बी जीन है। एपिस्टैटिक एलील्स में जो ए जीन है उसकी एलील्स दी गई हैं और हाइपोस्टैटिक एलील्स में जो बी जीन है उसकी एलील्स दी गई हैं। ये जब पेयर फॉर्म में आएंगी, दोनों जीन्स इकट्ठी आएंगी, दोनों की एलील्स इकट्ठी हो जाएंगी, तो अगर कोई एक भी हमारे पास कैपिटल फॉर्म में, कोई एक एलील भी चारों में से कैपिटल फॉर्म में आ जाएगी ना, तो उस सबको सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप में रखा हुआ है, मतलब कि वो एक ही कंडीशन को फॉलो करेंगे। अब ये जो पहली वाली कंडीशन है ना, अगर हम कोई रिजल्ट देखेंगे ना, उसमें जितने भी पेयर्स होंगे बहुत ज़्यादा पेयर्स फर्स्ट वाली कंडीशन में जो लाई करेंगे। सिर्फ एक केस ऐसा होगा कि जब सेकंड टाइप ऑफ फिनोटाइप हमारे पास आएगी, डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप हमारे पास आएगी, और वो केस तब होगा अगर हमारे पास दोनों जीन्स की चारों अलील्स हमारे पास रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं। तो ये वाली टाइप बहुत ईजी थी, ये दोनों कंडीशन भी बहुत ईजी थी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। अच्छा, इस एग्जांपल में हम ऑन और ऑन लेस राइस को डिस्कस कर रहे हैं। ऑन राइस तब होंगे जब फर्स्ट कंडीशन पीछे हम लोगों ने डिस्कस की है कि अगर चारों अलील्स में से कोई एक भी अलील डोमिनेंट आ जाती है, और ऑन लेस राइस कब होंगे जब चारों अलील्स जो हैं वो हमारे पास रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं। नेक्स्ट अब इस एग्जाम्पल का क्रॉस देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में ऑन राइस का ऑन लेस राइस के साथ क्रॉस करवाया गया है, और जो F1 में हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे ऑन राइस हैं। नेक्स्ट अब F2 फाइंड करेंगे, जिसके लिए F1 को F1 से क्रॉस करवाएंगे, मतलब कि ऑन राइस को ऑन राइस से ही क्रॉस करवाएंगे। नेक्स्ट इस क्रॉस के रिजल्ट्स देख लेते हैं, और यहाँ पर अगर आप इन रिजल्ट्स में देखें, सारे पेयर्स को देखें, तो सिर्फ एक केस ऐसा है, लास्ट वाला केस, जो कि ऑन लेस है। और ऑन लेस क्यों है, क्योंकि इसके जो चारों अलील्स हैं, चारों जो दोनों जीन्स की जो चारों अलील्स हैं वो रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं। और इस लास्ट केस को छोड़ के अगर हम बाकी सारे केसेस को देखें, बाकी पेयर्स में देखें, तो आप नोट करेंगे कि सब में कोई एक ना एक तो ऐसा ज़रूर है जो कि डोमिनेंट है, कोई एक ना एक अलील तो ज़रूर डोमिनेंट है। चारों अलील्स में से चारों भी डोमिनेंट हो सकती हैं, तीन भी डोमिनेंट हो सकती हैं, दो भी डोमिनेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि कोई एक भी अगर डोमिनेंट आ गई ना, तो उसको हम एक कैटेगरी में ही रखेंगे, उसको सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप ही हम देंगे। और ये टाइप भी सबको क्लियर हो गई है, बहुत ईजी टाइप थी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है डोमिनेंट एंड रिसेसिव इंटरेक्शंस। अच्छा, अब जो ये वाली टाइप है इसमें भी एक तरह के फिनोटाइप के लिए ना दो तरह की कंडीशंस हैं, दो डिफरेंट कंडीशंस हैं, लेकिन वो दोनों डिफरेंट कंडीशंस जो हैं उसका रिजल्ट सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप ही होगा। ये बात आपने मेरी ध्यान से सुननी है कि एक तरह के फिनोटाइप के लिए जो दो कंडीशंस हैं उनमें से पहली कंडीशन ये है कि दोनों जीन्स में से जो एक जीन है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो जीन्स हैं, दोनों जीन्स जब पेयर फॉर्म में आ रही हैं तो उनमें से जो एक जीन है, फॉर एग्जाम्पल ए जीन हम ले लेते हैं, इस जीन की जो दोनों अलील्स हैं, या तो फिर वो दोनों डोमिनेंट फॉर्म में आए, मतलब कैपिटल ए आए, या तो फिर वो जो अलील्स हैं ना उनमें से कोई एक डोमिनेंट फॉर्म में आ जाए, मतलब कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में आ जाए, तो इस एक कंडीशन से भी सेम वही फिनोटाइप आएगा जो कि अब मैं दूसरी कंडीशन बताने लगी हूँ जो उससे आएगा। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन में अब हम बी जीन को कंसीडर कर लेते हैं। जी, तो दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों जीन्स में से कोई एक जीन, ठीक है फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पर अब हम के बी जीन,
ठीक है, इस जीन की दोनों एलील्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आए तो भी वही फिनोटाइप आएगा जो कि मैंने आपको पहली कंडीशन में बताई है। ये दोनों तरह की कंडीशन सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप देंगी, और इन दोनों कंडीशंस में से जो कि मैंने बताई हैं सेम फिनोटाइप के लिए हैं, इनमें से जो पहली कंडीशन है ना, उस कंडीशन में ये बात ज़रूरी नहीं है कि फ़र्ज़ करें अगर ए जीन है हमने बात की है उसकी दोनों अलील्स डोमिनेंट फॉर्म में आ रही हैं या कोई एक अलील डोमिनेंट फॉर्म में आ रही है, मतलब कि होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में आ रहा है या हेटरोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में आ रहा है। इस कंडीशन में ये ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ जो बी जीन है वो कोई स्पेसिफिक फॉर्म में आए, वो किसी भी फॉर्म में आ जाए, ठीक है, होमोजाइगस फॉर्म में आ जाए या हेटरोजाइगस फॉर्म में आ जाए या होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आ जाए, तो इट डजंट मैटर, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट कंडीशन में हमारे लिए सिर्फ एक ही बात ज़रूरी है कि हमारे पास दोनों जीन्स में से जो एक जीन है उसकी एलील्स, और वो जीन कौन सी, ए वाली जीन, ठीक है, मतलब पहले वाली जीन, उसकी जो दोनों एलील्स हैं या कोई एक डोमिनेंट फॉर्म में आ जाए या दोनों डोमिनेंट फॉर्म में आ जाए, सिर्फ ये बात ज़रूरी है। लेकिन जो मैंने सेकंड वाली कंडीशन बताई है सेम फिनोटाइप के लिए, उसमें एक बात तो मैंने ये बताई है कि जो हमारे पास सेकंड वाली जीन होगी बी जीन, वो हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आए, एक तो ये बात है, लेकिन इसके साथ दूसरी बात ये भी ज़रूरी है कि इस होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म के साथ जो दूसरी जीन होगी ए जीन, वो ए जीन बी, ए जीन की भी दोनों एलील्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आए तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने इन दोनों बातों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट आप टेबल देख लेते हैं कंडीशंस का मज़ीद क्लियर। अच्छा, इस लास्ट टाइप की जो रेशो है ना वो है 13:3। ये जो पहले वाला केस है और ये जो तीसरे वाला केस है, ये दोनों केसेस ना जो मैंने दो कंडीशंस बताई थी ना कि दो तरह की कंडीशंस एक ही फिनोटाइप बताएंगी, एक्चुअली ये वो दो तरह की कंडीशंस हैं जो कि सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप देंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली कंडीशन को देख लेते हैं। तो इस कंडीशन में सेम वही बात फॉलो हो रही है जो पीछे मैंने दो कंडीशंस बताई हैं, उसमें जो पहली कंडीशन थी जिसमें मैंने कहा था कि दोनों जीन्स में से ए एंड बी दो जीन्स हैं, इसमें जो पहली वाली जीन है ए जीन, ठीक है, उसकी दोनों एलील्स या तो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में हो या तो हेटरोजाइगस फॉर्म में हो, मतलब कि उसकी एक एलील बेशक कैपिटल फॉर्म में हो जाए या दोनों, तो पहली वाली कंडीशन फॉलो होगी। अच्छा, ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये तो अब सबको क्लियर होगी। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं जो कि फर्स्ट कंडीशन वाली ही फिनोटाइप देगी, मतलब कि इन दोनों कंडीशंस की फिनोटाइप सेम होगी। जी, तो इस सेकंड वाली कंडीशन में कौन सी बात फॉलो हो रही है, जैसा कि मैं पीछे बता चुकी हूँ कि यहाँ पर हमारे लिए जो ज़रूरी है वो ये बात है कि दोनों जीन्स में से जो बी जीन है सेकंड वाली जीन, उसकी जो दोनों अलील्स हैं वो रिसेसिव फॉर्म में हों, और उसके साथ जो ए जीन होगी पहले वाली जीन उसकी दोनों अलील्स भी होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में हों, तो भी यही फिनोटाइप आएगी जो कि फर्स्ट कंडीशन में आई है। यहाँ टेबल पर मेंशन नहीं है लेकिन फर्स्ट कंडीशन में भी वाइट कलर आएगा और इस सेकंड कंडीशन में भी वाइट कलर आएगा, तो 13:3 थी इस टाइप की रेशो, तो 13 तो क्लियर हो गया। अब बाकी जो रेशो रह गई ये 3, उसको देख लेते हैं। तो अब लास्ट वाली कंडीशन देख लेते हैं जिसमें कि एक सेकंड टाइप ऑफ फिनोटाइप आएगा, एक डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप आएगा। तो इस कंडीशन में ये बात है कि जो फर्स्ट हमारी जीन है ए जीन, यहाँ पर वैसे डिफरेंट यूज़ की गई हैं जीन्स, आई यूज़ किया गया है और सी यूज़ किया गया है, मैंने पीछे ए बी यूज़ किया था इसलिए मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि जो हमारी पहली जीन है ए जीन, उसकी दोनों एलील्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आए, और उसके साथ जो दूसरी जीन होगी बी जीन, वो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में भी आ सकता है या हेटरो फॉर्म में भी आ सकता है, तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप हमारे पास आएगी, सेकंड टाइप ऑफ फिनोटाइप, और उसकी रेशो होगी 3। अब नेक्स्ट इसी एग्जांपल का क्रॉस देख लेते हैं। अच्छा, अब इस क्रॉस में जो हम लोगों ने दो पेरेंट्स लिए हैं ना वो वाइट इन कलर ही हैं, उनका जो फिनोटाइप है वो सेम है, वो जो पीछे मैंने कंडीशन बताई थी ना फर्स्ट वाली कंडीशन थी जो दो तरह की कंडीशंस थी और सेम फिनोटाइप दे रही थी, यहाँ पर हम लोगों ने वो पेरेंट्स लिए हैं, और दोनों का क्रॉस करवाने के बाद जो हमारे पास F1 जनरेशन आई है उसकी फिनोटाइप भी वाइट कलर है। अब नेक्स्ट F2 जनरेशन हम लोग फाइंड करेंगे जिसमें हम F1 का F1 से क्रॉस करवाएंगे, तो रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो इन रिजल्ट्स में जो वाइट कलर फिनोटाइप है हमारे पास, इनमें वो दो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं जो कि मैंने पीछे बहुत डिटेल में बताया है कि दोनों कंडीशंस सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप दे रही हैं, एक तरह का फिनोटाइप देंगे, तो वो कंडीशंस आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। और जो सेकंड हमारे पास फिनोटाइप है उसमें थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन फॉलो हो रही है जो कि कलर्ड फिनोटाइप हमें दे रही है। तो यहाँ पर जो हमारी सारी टाइप्स हैं एपिस्टेसिस की वो ख़त्म होती हैं, और यहाँ लास्ट पर हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें सारी टाइप्स की जो फिनोटिपिक रेशोज़ हैं वो बताई गई हैं, और इसके साथ ही मैं अपना टॉपिक क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आप सबको ये सारी टाइप्स क्लियर हो गई हों।